हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपुल राज पुरोहित और स्वागत है आपका मेरे चैनल विपुल एजुकेशन में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम जिस बात में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है विद्यार्थी का विद्यालय में बिहेवियर, यानी विद्यार्थी का विद्यालय में कैसा बिहेवियर होना चाहिए उस पर। तो बताने जा रहा हूँ मैं आपको कुछ ऐसे उपाय और अनोखे जो शिक्षण जो अनोखे उपाय जिसके कारण से विद्यार्थी जो है अपना बिहेवियर कैसे विद्यालय में सुधारे, किस प्रकार का बिहेवियर करे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। पॉइंट नंबर एक है कि विद्यार्थी को विद्यालय में हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए, उसे किसी भी प्रकार के नियमों का भंग नहीं करना चाहिए। अनुशासनहीनता तो कतई नहीं करना चाहिए। अपने अध्यापक नियम नंबर पॉइंट दो, अपने अध्यापकों की सभी बातों का पालन करना चाहिए। नियम पॉइंट नंबर तीन, अपने दिए हुए होमवर्क गृह कार्य को पूर्ण करें। बस धन्यवाद। अपने जितने भी सहपाठी हैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। अपनी कक्षा का जो इन्वायरमेंट है उसे पॉजिटिव रखें। विद्यालय का भी इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखें। अपने विद्यालय के जितने भी अध्यापक हैं कर्मचारी सबके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। अपने अध्यापकों की इज्जत करें और जितने भी आपके विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सबके साथ मित्रवत व्यवहार करें, वो भी मर्यादा में। आप जो ये जीवन है ये आपका सबसे अमूल्य जीवन है विद्यार्थी जीवन, इसलिए इसका पालन करें। आपका ये विद्यार्थी जीवन वापिस जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको याद आएगा कि कैसे हम विद्यालय में बिहेवियर करते थे। तो यही आपका सबसे अमूल्य समय है। अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान रखें, अपनी स्टूडेंट लाइफ का व्यर्थ की बातों में बेकार की बातों में जाया न होने दें, मेरा तो यही कहना है। बाकी विद्यार्थी जो आप स्वयं समझदार हैं आप सब जानते हैं, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने विद्यालय लाइफ का सबसे ज़्यादा उपयोग करें। अपनी पढ़ाई में आपकी अवस्था है पढ़ाई करने की, उसके अलावा कोई व्यर्थ की बातें में आप न पढ़ें। अपनी बस मर्यादा। और अगली पॉइंट, अंत में बस एक पॉइंट और रखना चाहूँगा कि अपने जितने भी गुरुजन हैं सबका सम्मान करें, सबसे शिष्टा से व्यवहार करें, शिष्टाचार में ही रहें। शिष्टाचार ही सबसे बड़ा आपका हथियार है। शिष्टाचार से व्यक्ति जो है बड़े से बड़े जो असुर है उससे भी विजय पा सकता है, क्योंकि शिष्टाचार सबसे अच्छी चीज़ होती है। इसलिए शिष्टाचार में रहें, शिष्टाचार का पालन करें। शिष्टाचार ही आपके सबसे बड़ी बात है, इसलिए आप शिष्टाचार में ही रहें। शिष्टाचार आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप अपने शिष्टाचार को बनाए रखें। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को पूरा देखें प्रारंभ से अंत तक, और टिप्स के बारे में आपको टिप्स कैसी लगी ये भी हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ अपनी बात। जय हिंद। ख़त्म करता हूँ अपनी बात। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते भारत।